हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे टीजीपीएससी 2021 का कट ऑफ, जो कि 13 फरवरी को हुआ था। और आपका ये एग्जाम जो है, अभी इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, उससे चेक करने के बाद और काफी लोगों से सर्वे लेने के बाद ये मैं एक ओवरऑल कट ऑफ आपको समझा रहा हूँ। जिन भी लोगों का इतना कट ऑफ अगर हो रहा है तो वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ये जो एग्जाम था, ये अगर आपके इस एग्जाम में जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 45+ है, ज्यादा नहीं, मतलब ये इससे कम ही होगा, ज्यादा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, 45+ है, तो आप जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कुछ कुछ तो आंसर ऐसे हैं जो कि कहीं आपको जो है आंसर ही नहीं मिलेगा। जैसे छत्तीसगढ़ी का ही एक क्वेश्चन था, एक हड़िया जीमा दू मन पानी, तो उसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने टिक किया है, नारियल, नारियल। और लेकिन जो है उसका जो ऑफिशियल आंसर आया है वो आया है अंडा। तो ऐसे ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन, इवन आप चेक करेंगे, हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो आए, जो इंडियन क्रिकेट टीम को भी कर लेते हैं भैया फाइनेंस, उनके टीचर जैसे ही पर्चा खत्म हुआ, आई कैन सर्वे करे खातिर, लेकिन वो भी सर्वे में हो गए सब फेल। उनका आप भाई साहब आंसर पड़ा हुआ है, आप चेक करिए, उनके 30 से 40% आंसर गड़बड़ हैं, आप चेक कर लीजिएगा। अगर चेक करके अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये रॉन्ग है। तो जब आप सोचिए, इतने बड़े कोचिंग के 10 लोगों की टीम बैठ करके, मैं तो 10 तो मैं कम ही बोल रहा हूं, इनकी 100 की टीम होगी, इनकी 1000 की टीम होगी, सारे बुक से पत्रिका से आंसर चेक करके इन्होंने उसको जो है सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया, फिर भी इनके 30 से 40% रॉन्ग आ रहे हैं, तो आप बताइए, जो कैंडिडेट 45% एग्जाम में बैठ करके सॉल्व कर रहा है, वो जो है मेंस लिखने के लिए तैयारी स्टार्ट कर दे। अब रही बात इसी में EWS का, तो EWS और OBC एक पैरेलल ही चलता है, अगर 40+ हैं तो वो लोग जो है अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दें। अब रही बात SC की, SC का अगर 30 भी क्वेश्चन बन रहा है, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, हो सकता हो 25 पर भी आ जाए आपकी कॉल, तो आप लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ST हैं अगर आप, तो 20 से 25 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो रहा है तो आप जो है पॉजिटिवली उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देर एकदम मत करिए, आप ये मानिए इसमें बहुत सारी अभी कोर्ट केस भी होगा, क्योंकि कुछ लोग इसके आंसर को चैलेंज करेंगे, लेकिन वो चैलेंज चाहे जहां कर लें, आखिर में जो CGPSC है, आप सभी को पता है, वो एक स्टेट है अपने आप में, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी तर्क रखेगा और उसका जो है उसका वही ही वो समझा जाएगा, मतलब वही वो कहीं ना कहीं साबित करा देगा कि जो हमने किया है, जो मेरा आंसर सही है। बहुत ज्यादा होगा तो क्वेश्चन डिलीट होंगे, लेकिन जो ये मैं आपको
कट ऑफ दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जब ये आंसर इसका आएगा, जब इसका फाइनल आंसर की आएगा, तो ये कट ऑफ देखिएगा ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही जाएगा। और जे मन लोग फालतू हल्ला कर रहे हैं कि अरे 50 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, उन उनसे आप पूछिए कि आप केवल 36 स्पेशल हटा करके केवल 5 क्वेश्चन सही कर दें तो जो कहिए हार जाऊंगा मैं। और दूसरी बात, ये तो 45+40+ तब बन रहा है जब इसमें सीजी स्पेशल आया था। यही अगर जो है केवल जीएस होता तो जो है कट ऑफ तो पता नहीं कहाँ फिर जाता, हम इसकी व्याख्या ही ना कर पाते। और दूसरी चीज सुनिए, ये जो है यूपीएससी का जो भी आता हो पेपर, हम भी एनालिस्ट हैं, हम भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, एग्जाम निकाले हैं, और हम जो है हर स्टेट का लगभग लगभग एग्जाम देते हैं। आज भी हमने भी इसको अटेम्प्ट किया था, इस एग्जाम को। और हम जितने स्टेट हैं आपका, राजस्थान का, आरपीएससी का, सबका, बिहार का, हमने सबका एग्जाम मैं देता हूँ, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करता हूँ, लोगों से रिव्यू करता हूँ। इतना टफ पेपर ना यूपीएससी के हिस्ट्री में आया है। अब आप बताइए, मैं क्या ही बताऊं। ओलंपिक 2020 में वो भाई साहब पूछता है कितने कैंडिडेट भाग लिए, अरे भाई साहब 121 जो है फाइनल बाद में हुआ था, ओरिजिनल में 129 हुआ था, उसमें इश्यूज हुए थे, कुछ को कोविड हुआ था, कुछ को कुछ और इशू थे, वो 129। चलिए किसी ने इस पे भी टिक कर दिया, ओके ठीक है, होशियार था। कितने खेलों में भाग लिया, चलिए ये भी टिक कर दिया, 18 खेलों में भाग लिया। चलिए अगली बात आप बताइए, कुश्ती में लेडीज खिलाड़ी कितना भाग ले रही हैं, अरे जेंट्स खिलाड़ी कितना, कौन ऐसा यार डाटा याद रखता है। और अगर आप तुक्के पे जाएंगे भाई साहब, अब आप बताइए तुक्के पे, कुछ लोग बोल रहे हैं अरे हमारा तुक्का, भाई साहब इसका मतलब आपने सही से देखा नहीं, आपने पढ़ा क्या एडमिट कार्ड, ठीक है, आपने का पढ़ लिया एडमिट कार्ड, और आपने पढ़ा क्वेश्चन पेपर। अब रुको ना, अब हम सबका धागा ही खोल देते हैं। एक बड़े चैनल वाले ने कहा कि अरे इसमें तो निगेटिव था ही, अरे भाई साहब होशियार चंद, आप एडमिट कार्ड और क्वेश्चन को मत देखिए, पेपर को, इसका जो नोटिफिकेशन है उसको चेक करिए। नोटिफिकेशन में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, और ऐसा कहा जाता है कि 1/3 के निगेटिव मार्किंग में अगर आप 60% लाते हो किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, 60 से 70, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है। और यहाँ पे अभी 13 गुना लोग, मतलब जो भी मेंस के लिए शायद 15 गुना या वो है 13 गुना ऐसे ही होगा, यूपी पीसीएस में 13 था फिर 15 हुआ, तो इसमें अभी उतने गुने लोगों को कॉल करेगा, तो उस हिसाब से जो हमने ऊपर में डिस्कस किया है उतना ही कट ऑफ जाएगा। और होशियारों 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, अगर आप तुक्के के मूड में रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि धरा का धरा रह जाएगा, जो आपका आपन क्वेश्चन है हो तू खराब करके आ जाओगे, तो तुक्का इसमें मार ही नहीं सकते। जब श्योर हो 1/3 में तभी ही आप अटेम्प्ट लीजिए। तो 1/3 के निगेटिव मार्किंग के साथ इतना ही कट ऑफ जाएगा, चाहे जो जो बोल ले, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा, हो सकता हो इससे भी कम जाए। तो अब हम मतलब यहीं तक ही अपनी बात रखते हैं, और आप जो है, मैं इसको सब्सक्राइब या उसका नहीं कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हाँ हम पीजी स्पेशल के लिए इसमें कुछ अलग से करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके।
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।